हाय फ्रेंड्स, सिकुड़ सिकुड़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं हम यूपीपीसीएल का जो TG2 का पेपर हुआ है 7 नवंबर 2023 को, तो उसकी पहली और दूसरी शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे क्वेश्चन आए थे ताकि आपको आइडिया लग पाए कि क्या क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरनेट स्पीड जो होती उसको नाप किस चीज़ में नापा जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट स्पीड को देखिए KBPS में नापा जाता है। ठीक है, जो बेसिक यूनिट है वो KBPS ही रहेगी, होने को तो MBPS भी होता है। ठीक है, मेगा बाइट पर सेकंड, बट इसका आंसर आना है KBPS, किलोबाइट्स पर सेकंड। अब बिंग क्या है, एक क्वेश्चन था बिंग क्या है। बिंग एक्चुअली एक सर्च इंजन है, जिस तरीके से गूगल जो है, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, इसी तरीके से बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अब QR का फुल फॉर्म पूछा था, आपने कोड देखा होगा, आप UPI पेमेंट वगैरह भी करते हैं तो QR कोड रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस कोड में जो QR होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। अब UPI से रिलेटेड फुल फॉर्म आया था UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपको पता होना चाहिए। अब ओम्स लॉ का क्वेश्चन था, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओम्स लॉ क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर फिजिकल कंडीशंस को कॉन्स्टेंट रख दिया जाए तो जो वोल्टेज होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो लेकिन फिजिकल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर प्रेशर इन सबको कांस्टेंट रखा जाए तो ही ये चीज़ होती है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I और V इजिकल टू IR और I क्या होता है, I होता है करंट, V होता है वोल्टेज और R होता है रेजिस्टेंस। अब डी मोसफेट का सिंबल पूछा था, डी मोसफेट का सिंबल क्या होता है। देखिए सिंपल सा सिंबल है, ये डी मोसफेट का सिंबल होता है, ये है गेट, ये है ड्रेन और ये है सोर्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली बात करी जाए तो किस टाइप का मोसफेट है, मोसफेट भी एन टाइप है या पी टाइप है, कैसे पता लगेगा इसका, आपको सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये देखिए गेट है, ये है ड्रेन और ये है सोर्स। ठीक है, तो सोर्स पे आपको देखना है, अगर अंदर की तरफ ये गया है करंट यानी कि यहाँ से पी से आया है। ठीक है, तो ये है पी टाइप मोसफेट है ये। और अगर ये आउटसाइड होता, अगर यहाँ कुछ इस टाइप की कंडीशन रहती, यहाँ आउटसाइड होता तो एन टाइप मोसफेट होता। ठीक है, तो ये मोसफेट का सिंबल पूछा था, ये सिंबल होता है। अब सिलिका जेल का यूज क्यों होता है, सिलिका जेल आपको पता है कि सिलिका जेल का मेन काम होता है नमी सोखना, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना है, मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है अलग अलग डिवाइसेस में। अब लेंजीज लो से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेंजीज लो क्या होता है, तो देखिए लेंजीज लो सिंपल होता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है ना, यानी कि जो करंट पैदा हुआ है वो हमेशा अपोज करेगा जिस वजह से वो पैदा हुआ है उसको। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज इट्स कोज, ये होता है लेंजीज लो। अब इसकी एक्सप्रेशन पूछी थी या इससे रिलेटेड बात पूछी थी वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। अब यूज ऑफ कंट्रोल प्लस है कंप्यूटर में कहाँ यूज होता है, तो कंट्रोल प्लस से यूज होता है सभी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। अब LED की फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, LED का मतलब था लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसके सिंबल की बात करी जाए तो ये जैसे डायोड है, ठीक है, यहाँ से ये लाइट एमिट हो रही है, ये LED का सिंबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। LED का सिंबल होता है लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसी तरीके से LCD की अगर बात करें तो लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD की फुल फॉर्म होती है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी थी, तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, इसको रो से दिखाते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर में जो टर्न रेशो होता है उसका हमारे से फॉर्मूला पूछा था, टर्न रेशो को कैसे दिखाते हैं, ये होता है इम्पिडेंस 2/1, Z2/Z1√। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, या फिर E2/E1। इसी को अगर करंट के तौर पर लिखे तो I1/I2 ये होता है। अब BCC या CC कहाँ यूज होते हैं, तो देखिए BCC और CC जो ईमेल वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, ईमेल सेंड करते हैं तो CC में हम एक दूसरा ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अब पीक फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था, पीक फैक्टर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम करंट अपॉन RMS करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। अब अगर मान लीजिए बोला गया है कि अगर पंखा की स्पीड जो है कम है, ये किस वजह से हो सकती है, तो उस पंखे में मेनली कैपेसिटर का इशू होगा, कैपेसिटर चेंज करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। ELCB की फुल फॉर्म क्या होती है, ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकेट। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकलेट, ये फुल फॉर्म है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अब जिस ट्रांसफार्मर में केवल एक ही बाइंडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, वो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन था, ये जो IRCTC जो है, IRCTC जो इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये है IRCTC की फुल फॉर्म। जब आप IRCTC से बुक करते हैं कोई भी टिकट, चाहे फ्लाइट का हो चाहे ट्रेन का हो, तो क्या वो आपको ईमेल भेजती है, बिल्कुल भेजती है। सही इसका आंसर आना था, यस आना था।
अब आईपी और टीपी किस चीज़ से रिलेटेड है? आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीपी होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये इंटरनेट से रिलेटेड है, तो ये भी ट्रू। अब MICR की फुल फॉर्म पूछी गई थी, पूर्ण रूप, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है किसी भी पेज में, मान लीजिए वर्ल्ड का कोई पेज है, ठीक है, एमएस वर्ल्ड आपने खोला हुआ है, और इसका जो पेज का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको फुटर बोलते हैं? बिल्कुल सही है, फुटर बोलते हैं इसको। अब अमेजोन जो है, अमेजोन ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो ये हो गया गलत, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह जो है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सब क्या है? ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, ना कि ये सोशल नेटवर्क वेबसाइट है। अगर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की बात करी जाए तो जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है? ये सब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं।